हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी सा स्वेटर डिजाइन पैटर्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है 6 रो की डिजाइन है और ये डिजाइन जो है फ्रेंड्स ये 7 के मल्टीपल लेंगे तो ये डिजाइन आपका सेट हो जाएगा, प्लस 4 ले लेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हमने 25 लिए हैं और चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना नहीं भूलेगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए, राइट साइड है रोअर, कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद ये फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और 1 ये साइड का जो हमने एड स्टिच लिया, ये टोटल 5 फंदे हमारे बुनने हैं। फिर इसके बाद धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, 6 फंदा सीधा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। लास्ट के हमारे 5 फंदे हैं, उन्हें सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये राइट साइड कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये सेकेंड रो है, बैक साइड है। तो देखिए, जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनना है। अब देखिए, ये फर्स्ट फंदा हमने स्लिप करके 4 फंदा उल्टा बुन लेना है। 5 फंदे हो चुके हैं, धागा पीछे, 1 फंदा ये सीधा, धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, लास्ट के 5 फंदा इन्हें उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। फर्स्ट रो की तरह ही हमें ये थर्ड रो बुनाई करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करके 4 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 6 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 6 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया। रो फोर है बैक साइड। जो जैसा दिख रहा वैसे बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करके 4 फंदा उल्टा, देखिए धागा पीछे, 1 फंदा ये सीधा, इसे सीधा बुनेंगे, धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5 तो फ्रेंड्स हमारा ये 4 रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, फिफ्थ रो है राइट साइड, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे और यहाँ पर 3 फंदा हम बुनेंगे, 1, 2, 3 फंदा हम बुन लेंगे और ये साइड का एड स्टिच लेके टोटल हमारे 4 फंदा हो चुके हैं। अब देखिए, 1 फंदा ये छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए, 1, 2, 3, 4 ये जो गांठ का 4 होल है ना, ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4 यहाँ से हमें
वन लूप ले लेना है। लूप को देखिए बराबर रखिएगा, थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से करने के बाद बराबर कर लीजिए, फिर वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन फंदा सीधा। आप देखिए सेम होल से हमें ये दूसरा लूप ले लेना है, और इस नीडल से ऐसे ना थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि अपने से ये नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो ये हो गया, फिर इसके बाद देखिए ये फोर फंदा हमें सीधा बुनना है, वन सॉरी। देखिए इसे बुनाई करते वक्त ना ये थोड़ा सा ऐसे टाइट नहीं होना चाहिए, ये धागा टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। वन टू थ्री फोर, अब देखिए सेम आपको वन टू थ्री फोर, ये फोर होल से आपको वन लूप ले लेना है, और ये वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन फंदा सीधा। सेम होल से हमें ये देखिए दूसरा लूप ले लेना है, लूप को थोड़ा बराबर करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर वन फंदा सीधा, सॉरी वन टू थ्री फोर। अब देखिए ये जो उल्टा फंदा है ना, इसके नीचे वन टू थ्री फोर, ये जो फोर वाला होल है यहाँ से हमें वन लूप ले लेना है, लूप को बराबर रखना है, फिर वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन फंदा सीधा। सेम होल से हमें ये दूसरा लूप ले लेना है, इसे भी हम थोड़ा सा ऐसे बराबर करेंगे देखिए इस तरीके से, और ये लास्ट के हमारे फोर फंदे ही नहीं, हम सीधा बुन लेंगे वन टू थ्री फोर। तो फ्रेंड्स हमारा डिजाइन पैटर्न का देखिए फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया है, सिक्स्थ रो है बैक साइड। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करते हैं, इसके बाद टू फंदा उल्टा। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमने फंदा लिया है ना, इस फंदे को और इस फंदे को इस तरीके से देखिए ऐसे बैक से ऐसे नीडल लेंगे ना, इस तरीके से पलट लेंगे, पलटने के बाद यहाँ पर हम ये टू का वन करेंगे, तो इस तरीके से सीधा आ जाता है। फिर देखिए वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा। अब ये लूप और ये फंदा, यहाँ पर भी हम टू का वन करेंगे, फिर देखिए टू फंदा उल्टा, वन टू, टू फंदा हमने उल्टा बुना। अब देखिए जो ये लूप है और ये फंदा, दोनों को इस तरीके से आप बुन सकते हैं, ठीक ना, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। फिर ये सेकेंड फंदा उल्टा, धागा पीछे, और ये वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, यहाँ लूप और फंदा, यहाँ टू का वन करेंगे, टू फंदा उल्टा। अब देखिए ये लूप और ये फंदा, इन्हें या तो आप पलट लीजिए इस तरीके से, और इसे टू का वन कर दीजिए, फिर वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, यहाँ पर टू का वन करेंगे, और इसके बाद टू फंदा उल्टा, वन साइड का एड स्टिच है इसको घूम लेंगे। तो गाइज देखिए हमारा ये फोर रो में ये डिजाइन पैटर्न, सॉरी सिक्स रो में ये डिजाइन पैटर्न देखिए इतना सा बनकर आया है। अब यही वन से लेके सिक्स रो आपको रिपीट करते जाना है, जब यही आप रिपीट करते जाएंगे तो आपकी पूरी डिजाइन ये बनती जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।